वो है कि वैश्विक कार्बन बजट। तो कार्बन बजट, कार्बन क्रेडिट की हम बात करने जा रहे हैं। इंग्लिश वाले साइट पे जाके ही देखें, यहां से आप तुक्के ना लगाएं किसका मीनिंग ये होगा वो होगा, प्रॉपर नोट्स मेकिंग करें। अच्छा, कार्बन बजट क्या चीज होती है, कार्बन बजट का मतलब क्या है, ये हम यहां जानेंगे। फिलहाल खबरों में क्यों है ये चीज, तो भारत को COP मीन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28वीं जो मीटिंग है, मैं वैश्विक कार्बन बजट का उचित और न्यायसंगत सुरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। हम जानते हैं कि इंडिया जो है काफी बिजली, लगभग 53% बिजली जो है वो कोयले से पैदा कर रहा है। तो 53% बिजली कोयले से पैदा हो रही है, और कोयले को जलाने से क्या निकलता है जी, पॉल्यूशन, धुआं, ये सबसे बड़ा कारक है। दूसरी बात, हमारे जो गाड़ियां हैं, स्कूटर हैं, पेट्रोल और डीजल से चलते हैं, इनसे भी क्या निकलता है, धुआं निकलता है, प्रदूषण होता है, राइट। तो हमें कोशिश करनी है कि हम बिजली कोयले से कम पैदा करें, और हम पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम से कम करें। तो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कैसे करें, अगर मुझे यहां से कहीं जाना है तो पेट्रोल तो डलवाना पड़ेगा ना, कोई चारा ही नहीं है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इथेनॉल डाल सकते हैं। सुना अपने नाम इथेनॉल का, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग कर सकते हैं इसके अंदर, इथेनॉल डालकर। क्योंकि अगर 100 लीटर में अगर हमने 20 लीटर, सपोज 100 लीटर के मिक्सचर में अगर 20 लीटर इथेनॉल है, तो 80 लीटर पेट्रोल, 20 लीटर क्या है, इथेनॉल। और इथेनॉल को यूज करने से धुआं या प्रदूषण नहीं निकलेगा, तो एक तरह से पोल्यूशन कम हुआ ना अल्टीमेटली, जो भी है। तो व्हाट इज COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, एक पेरिस शहर है फ्रांस का, वहां पे एनवायरमेंट को लेकर मीटिंग की गई थी, एनवायरमेंट को लेकर। तो वो जो मीटिंग थी ना, उसे बोलते हैं COP मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसमें इंडिया भी शामिल था, इसलिए उनके दिए हुए निर्देश इंडिया पे भी लागू होते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का उद्देश्य क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। आप में से कौन जानता है व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, कुछ जानता है ग्लोबल वार्मिंग की चीज होती है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर का, हाँ, गर्म हो जाना, ज्यादा गर्म हो जाना, गर्म तो है ही है पर ज्यादा गर्म, एक्सेसिव हीटिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के वायुमंडल का ज्यादा गर्म हो जाना इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और इनके लिए कारण क्या है, ये प्रदूषण जो कोयले को जलाने से निकलते हैं या ये पेट्रोल और डीजल से। देखिए, कार्बन बजट क्या चीज है, वैश्विक कार्बन बजट एग्जाम में आ सकता है कि हाल ही में एक टर्म चर्चा में रही, वैश्विक कार्बन बजट, और वह है क्या। तो ये CO2 की वह मात्रा है जिसे मानवता पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में, माने प्री इंडस्ट्रियल लेवल, जब इंडस्ट्रीज इंट्रोड्यूस हुई थी ना, अच्छा बताओ जब इंडस्ट्रीज नहीं थी तो पोल्यूशन कहां से होगा, बात है कि नहीं है। और आप हाथ से कपड़ा बुनते हैं, कोई पोल्यूशन नहीं है। आप पैदल चलते हैं, कोई पोल्यूशन नहीं है, बात है कि नहीं है। क्योंकि हम मशीनों में कपड़ा बनाते हैं, हम मशीनों को यूज कर रहे हैं, ट्रैक्टर गाड़ी ट्रक वक यूज कर रहे हैं, तो नेचुरली फिर तो प्रदूषण होना है। तो इंडस्ट्रीज से पहले प्रदूषण बहुत ही कम था, बहुत ही मिनिमम था, उसके बाद जैसे इंडस्ट्रीज आई हैं तो प्रदूषण बढ़ा है, और प्रदूषण के बढ़ने से पृथ्वी का टेम्परेचर भी तो बढ़ा है ना। तो हमारा टारगेट क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का टारगेट क्या है, कि जो पृथ्वी का बढ़ता तापमान है उसे कितनी डिग्री तक कंट्रोल करना, एक पॉइंट। जो राइज एंड टेम्परेचर का राइज, प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे मान लो टेम्परेचर था 55 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमने इसका राइज 1.5 डिग्री तक ही रखना है, कंट्रोल करना है, विच मीन्स 56.5 डिग्री तक इसे सीमित करना है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मैं, तो टेम्परेचर राइज को कितने डिग्री तक कंट्रोल करना है, 1.5 डिग्री। भूलना मत कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP के तहत ये क्वेश्चन बहुत टफ दिखते हैं एग्जाम के अंदर, तो कहां से आ गई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्या बोल रहे हैं ये टेम्परेचर कंट्रोल करना।
अब जान जाइए कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का उद्देश्य है कि औद्योगिक पूर्व औद्योगिक स्तर पे जो पृथ्वी का तापमान था वो जो बढ़ रहा है उसे कहां तक कंट्रोल करना है, 1.5 डिग्री तक। टेम्परेचर बढ़ रहा है पर 1.5 डिग्री से ऊपर वो ना बढ़ पाए, इतना कंट्रोल करना है उसी इसको। टू मींस कार्बन बजट क्या है, एक देश कितना CO2 निकाल सकता है उसे बोलते हैं उसका कार्बन बजट। जैसे मान लो आपको पॉकेट मनी मिलती है 1000 रुपए, तो फिर आप 1000 रुपए के अंदर ही महीना आपको चलाना पड़ेगा ना, वैसे कार्बन बजट क्या होगा CO2 के बारे में, याद रखिएगा CO2 के बारे में कार्बन बजट है कि भाई कोई देश कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा एक साल के अंदर, राइट और नॉट। इससे ऊपर निकाला तो पेनल्टी पड़ेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैसे निकलती है, एक तो हमारे सांस लेने से, वो तो है ही है, हम इंसान लेते क्या अंदर और छोड़ते क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या वो कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जैसे हम अंदर लेते हैं ऑक्सीजन और बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या वो कंप्लीटली अच्छा जैसे आप लोग यहां सांस ले रहे हैं, जैसे मैं छोड़ रहा हूं तो मैं क्या छोड़ रहा हूं CO2, राइट। आप सांस ले रहे हैं फिर आप छोड़ रहे हैं, आपके ले रहे हैं ऑक्सीजन छोड़ के रहे हैं CO2, बट अब CO2 इस हवा में है कि नहीं है, तो सांस लूंगा तो क्या CO2 साथ ही आ जाएगी, वो ये तो अंदर का कमाल है ना। हम नॉर्मली सांस लेते हैं उसमें काफी और गैसेस भी होती हैं, मगर हमारा जो बॉडी है वो ऑक्सीजन को कैप्चर करती है और फिर निकालती है क्या CO2, बट सारी वो CO2 नहीं होती, सारी CO2 उसमें भी कई और गैसेस होती हैं। नहीं तो उस दिन नहीं देखा आपने जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले दिन जो आए हुए थे, तो PCR देनी है तो मुंह से किसी अगर कोई बंदा बेहोश हो गया हुआ, उसका कार्डिक अरेस्ट हुआ है, कार्डिक अरेस्ट मीन्स दिल का दौरा पड़ा है, तो आप उसको देते हैं आर्टिफिशियल मुंह में उसकी हवा डालकर। अगर हम हवा जब दें CO2 निकलने तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी उसको, राइट। सारा खेल किसका है, ऑक्सीजन का। छोड़िए इसको, तो CO2 निकलेगी पर CO2 इंसान और जानवर के सांस लेने के साथ साथ में कोयला जलाने से पेट्रोल जलाने से भी निकल रही है, तो हमें इनका उत्सर्जन कम से कम करना है या इनका इस्तेमाल हमें कम से कम करना है। इसलिए बिजली कोयले से कम पैदा करनी है और पानी से या सोलर से या हवा से ज्यादा पैदा कर रही है, और पेट्रोल डीजल को कम से कम यूज करना है। तो अब इसमें काफी और बातें हैं जो जानने के लायक हैं। बजट लगभग 1 ट्रिलियन टन कार्बन का अनुमान रखा गया है, कोई इतनी खास बात नहीं है। अर्थ का कार्बन बजट जो है वो क्या क्या है ये भी आपके काम की चीज नहीं है, छोड़िए आप इसे। बस कार्बन बजट क्या है बस ये जान लीजिए, कार्बन बजट मीन्स कोई देश कितना CO2 निकाल सकता है, कितनी उसको इजाजत है CO2 निकालने की, उसे कहते हैं कार्बन बजट। मडिगा समुदाय, तो मडिगा समुदाय क्या है और कहाँ का है। मडिगा समुदाय की बात करें तो आपको बता दूं मैं, प्रधानमंत्री ने तेलंगाना चुनाव, अब आगे तेलंगाना में चुनाव आ रहे हैं, तेलंगाना किससे बना था, आंध्र प्रदेश से, तो तेलंगाना में क्या आ रहे हैं चुनाव आ रहे हैं, और BJP तेलंगाना में अभी तक खास कुछ कर नहीं पाई है। तेलंगाना हो आंध्र प्रदेश हो या फिर तमिलनाडु हो या केरल हो, इन स्टेट्स के अंदर वहां की लोकल पार्टियां ही बेहतर कर रही है, मैंने वही चुनाव जीत कर आती हैं। तो BJP चाहती है कि तेलंगाना में भी उसे अच्छी सीटें मिले, इसलिए वो कुछ कोशिशें कर रही हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले अनुसूचित जाति के भीतर मडिगा समुदाय के उप वर्गीकरण की लंबे समय से चल रही मांग को संबोधित किया है। आप जानते हैं कि शेड्यूल जो कास्ट होती है उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुसूचित जाति, और आप जानते हैं कि इनको कितने परसेंट रिजर्वेशन है, 15% रिजर्वेशन है, पर शेड्यूल कास्ट में तो काफी जातियां होती है ना, कोई एक तो होती नहीं है, राइट। कुछ करते हैं लोहे का काम, कुछ करते हैं चमड़े का काम,
कुछ कुम्हार मिट्टी का काम करते हैं, कुछ लकड़ी काटने वाले, तो कुछ बैंड बाजा बजाते हैं। कई जातियां हैं कि नहीं है, परंतु कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लो सपोज करो कि एक दो तीन चार ये पांच जातियां मान लो शेड्यूल कास्ट के अंदर, और एक जाति जो काफी डेवलप्ड है। क्या काफी डेवलप्ड है? एक जाति माने इनके परिवार में लोग अच्छा करते रहे हैं। अब इनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे अच्छे स्कूल के अंदर? तो सीटें सारी शेड्यूल कास्ट की कौन खा जाएगा? ये कास्ट वन वाली जो खा जाए, जो डेवलप्ड है। कास्ट टू को, कास्ट थ्री को, कास्ट फोर को, कास्ट फाइव को बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। सब कैटेगराइजेशन करने का मतलब ये हुआ कि 15% एससी को है, ये तो अपने दे दिए पूरे देश के अंदर, मगर इनको भी दो फिर, कि 3% तेरे को, 4% तेरे को, 2% तेरे को, 1% एसएस कर दो, ताकि एंश्योर हो सके कि सभी को सीटें मिले, सभी को नौकरी मिले। ऐसा होता कि नहीं होता है? देखिए शेड्यूल कास्ट में कई जातियां हैं, कुछ जातियां बड़ी ही पिछड़ी हैं, कुछ जातियां थोड़े आगे हैं। एक दिन मैंने कहा था कि शेड्यूल कास्ट में भी कंपटीशन है, कि हम हैं तो शेड्यूल कास्ट बट हम इनसे ऊपर आते हैं। जैसे कुम्हार जो होता है वो खुद को बोलता है कि मैं जो चमार है उससे ऊपर की जाति का हूं, ऐसे कि नहीं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि कुम्हार जो कम्युनिटी है तो शेड्यूल कास्ट की वो, बट वो अपने आप को सुपीरियर समझ रही है विद इन दी कास्ट। जो उसी कास्ट के अंदर के लोग हैं जो शेड्यूल कास्ट है ना, उनमें अपने आप को सुपीरियर मान रही है। ऐसे कई कास्ट हैं। एक कास्ट है सिपी, जो हिमाचल प्रदेश में काफी है शेड्यूल कास्ट के अंदर, वो बहुत डेवलप्ड है, बहुत डेवलप्ड है। वो आपको दिखेंगे कि वो लोग, उनके घर बहुत अच्छे हैं, बढ़िया सब कुछ, फर्स्ट क्लास है। तो अब अगर 15% रिजर्वेशन कास्ट को दे दी जाएगी, तो कौन सी कास्ट ज्यादा बेनिफिट ले रही, कैसे मालूम चलेगा? क्या पता सारी सीटें कुम्हार ले जा रहे हो और चमार फैमिली को कुछ मिल नहीं रहा हो। वैसे ये शब्द यूज ही नहीं करने चाहिए, क्योंकि टाटा लोहार है, बाटा कपड़े बनाता, सॉरी जूते बनाता है, बात से कि नहीं है? तो अगर प्रोफेशन के आधार पर आप कोई नाम दे देंगे तो वो ठीक नहीं है। कई लोग हैं जो आईएएस अधिकारी हैं, पर उनकी जाति कुम्हार है, वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, नहीं। कई लोग हैं जो इंजीनियर हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, पर उनकी जाति है सपोज कर लो कि चमार, तो अल्टीमेटली क्या वो चमड़े का काम कर रहा है, मोची है वो? नहीं ना। इसलिए जाति बेसिस पर ये नाम यूज करना ही बंद कर देना चाहिए। बट सवाल है बंद कैसे किया जाए? अगर गवर्नमेंट आज ऑर्डर पास कर दे कि कोई भी अब आगे से जाति सूचक शब्द इस्तेमाल, जैसे मैंने भी कर लिया, अभी नहीं करेगा। बट सवाल फिर ये है कि कौन एंश्योर करे कि किसने बोला और किसने नहीं बोला, बात है कि नहीं? जैसे मान लो अगर मैंने कोई शब्द निकाल दिया, मैंने बुरे इंटेंशन से नहीं निकाला, सिर्फ ये बताने के लिए कि शेड्यूल कास्ट में कई जातियां हैं, मगर उन जातियों में कुछ जातियां आगे बढ़ गई हैं, कुछ जातियां पीछे रह गई हैं। तो जो बढ़ गई जातियां हैं उनको ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब मिल रखी है, उनके बच्चे कोचिंग भी कर लेते हैं, और कुछ जातियां ऐसी हैं जो पिछड़ी पड़ी हैं, चंबा के इंटीरियर एरिया में रह रही हैं, पिछड़ी पड़ी हैं, उनके पास ना कोई प्रावधान है, शहर से काफी दूर है, कोई टीचिंग, कोई ट्यूशन कुछ नहीं मिल रही उनको, वो रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसलिए जो मडिगा समुदाय है, शेड्यूल कास्ट है, दलित समुदाय है, इन्होंने कहा है कि हमें हमारे जो हमें रिजर्वेशन मिली है शेड्यूल कास्ट को, उसका वर्गीकरण करो, सब कैटेगराइजेशन करो। जैसे मान लो अगर शेड्यूल कास्ट को 15 रोटियां मिल रही हैं, 15 रोटियां मान लीजिए, तो फिर ये ना हो कि एक ही जाति 15 रोटियां खा ले, 4 इसको मिले, 3 इसको मिले, 2 इसको मिले, 3 इसको मिले, ऐसा सा हो ना कुछ, ताकि सभी कास्ट की डेवलपमेंट। रिजर्वेशन का पर्पस क्या था? कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, उनकी डेवलपमेंट करना। तो और कास्ट में कुछ कास्ट डेवलप करें, कुछ कास्ट नहीं डेवलप कर रहे हैं, तो सरकार का ये नहीं होना चाहिए इंटेंशन कि जो डेवलप नहीं कर रही है उनको थोड़ा सा अलग कैटेगरी में डाला जाए, कि 15% रिजर्वेशन होगी शेड्यूल कास्ट को, पर विद इन द कास्ट सीटें जो है वो बांटी जाएंगे, जो 15% रिजर्व है। ये डिमांड की गई कहाँ पे? अच्छा, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? क्या
शेड्यूल कास्ट में देखो हमारे देश में कैटेगरीज बनी हुई हैं ऑलरेडी। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। क्या हमें शेड्यूल कास्ट में और कैटेगरी बनानी चाहिए? कैटेगरी ए फलना फलना जाती है, कैटेगरी टू फलना फलना जाती है, कैटेगरी थ्री फलना फलना जाती है, तो उन सभी कैटेगरी को रिजर्वेशन उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से देनी है, राइट? तो ऐसा किया जाए तो रिजर्वेशन का बेनिफिट सब पे पहुंच जाएगा अगर ऐसा किया तो, राइट? बट हो सकता है कि और जब कैटेगरी आप बना देंगे ना तो बोलेगा ये अलग कैटेगरी के लोग हैं, एक ए वर्ग में आते हैं, हम बी वर्ग वाले हैं, हम ये सी वर्ग वाले हैं, तो और डिविजन्स क्रिएट हो सकती हैं कास्ट के अंदर। मगर ये क्या हो रहा है, पीएम ने तो वहां पे उनको प्रॉमिस कर दिया और कहा कि हम ऐसा करेंगे, तो पॉलिटिक्स में क्या होता है कई बार मजबूरियां आ जाती हैं, आपको उनकी बात माननी ही पड़ती है। तो अब क्या है, इनकी एक मांग थी कि इनकी इनको क्या किया जाए, अलग से उपवर्गीकरण किया जाए, मीन सब कैटेगरी क्रिएट किए जाए इनके लिए, इनकी इनको शेड्यूल कास्ट में जो रिजर्वेशन है उसका फायदा प्रॉपर नहीं पहुंच पाता। आइए जानते हैं मामला क्या है। जो मडिका समुदाय है ना, वो तेलंगाना की एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मडिका समुदाय किस प्रदेश का है, तेलंगाना का। तो मडिका समुदाय जो तेलंगाना की 80 आबादी का लगभग कितना परसेंट है? 50%। टोटल जो 80 है उनकी आबादी का ये 50% है। मान लो अगर टोटल 80 है तेलंगाना में 100, तो 50 कौन है? मडिका। अगर टोटल रिजर्वेशन मान लो सीट की है 10 शेड्यूल कास्ट को तेलंगाना में, और मडिका को मिल रही खाली एक और बाकी जो है वो ले जा रहे हैं 9, तो मडिका बोलेगा मेरी पॉपुलेशन 50% और सीट हमारी कम्युनिटी को खाली एक ही मिली हमारी कम्युनिटी में से, तो हम कम्युनिटी डेवलप नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे एंगल से देख रहे हैं वो अपने समाज को। तो मडिका समुदाय की हम, अच्छा ये ठीक है, और लंबे समय से आरक्षण लाभों को समान वितरण करने की वकालत करता है। इनका कहना है कि आरक्षण तो मिल रहा है शेड्यूल कास्ट को, मगर कुछ कास्ट हमारी ऐसी हैं शेड्यूल कास्ट में जो डेवलप हो चुकी हैं, और उन्हीं के बच्चे कोचिंग वोचिंग करके जा रहे हैं, जो डेवलप हम नहीं हो पाए, हमारी कास्ट के लोग, हमारे यहाँ अच्छे स्कूल नहीं मिल पाए, हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, हमारे बच्चे उनसे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक कैटेगरी दूसरी कैटेगरी से क्या हो रहा है, झगड़ा शेड्यूल कास्ट के अंदर ही। बहरहाल ठीक है, और ये जो भी है, आइए बात करते हैं मडिका समुदाय के बारे में। मडिका एक तेलुगु जाति है, तेलुगु बोलती है, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक के अंदर भी है, और तमिलनाडु में काफी छोटी एक संख्या में है, और ये ऐतिहासिक रूप से मैंने हिस्टोरिकली ये काम करते रहे हैं चमड़े का, ऐसे हमारे हिमाचल में चमार बोलते हैं ना वैसे वैसे, तो चमड़े के कारखाने, चमड़े का काम और छोटे हस्तशिल्प बनाते हैं ये, अधिकांश खेतीहर मजदूर भी हैं। तो मडिगा कम्युनिटी कहाँ की है? उत्तर है तेलंगाना की। और ये चर्चा में क्यों रह रही है? बिकॉज दे आर आस्किंग दी सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन तेलंगाना। पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये मडिगा कम्युनिटी का। इनकी डिमांड क्या है? कि डिमांड है कि शेड्यूल कास्ट में एक और कैटेगरी बनाओ ताकि रिजर्वेशन का फायदा प्रॉपर पहुंच सके उन लोगों को भी। अब जो शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं ना हम लोग, तो शेड्यूल ट्राइब में ज्यादातर पिछड़े कहाँ के होंगे बच्चे? पांगी और भरमौर के ना, पर फायदा लेते हैं चुआड़ी वाले, भटियात वाले। भटियात के हर गांव में अगर 30 परिवार है ना, तो 20 गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो भी गद्दी ना है, तो वो भी सारे क्या है? भटियात चुआड़ी में जो लोग रहते हैं सारे कौन है? गद्दी है, ऊपर से नीचे चले आए हैं। प्रोफेसिलिटी देखो, चुवाड़ी से बिल्कुल आधे घंटे पे नूरपुर, जसूर, पठानकोट 45 मिनट का रास्ता, कौन सा ट्राइबल हुए वहां से, राइट? तो मौसम खराब होने पर जहाँ पे एजुकेशन ट्रैवलिंग सारा ठप हो जाता भरमौर और पांगे का, उन बच्चों के लिए शिक्षा में थोड़ी सी सपोर्ट क्या थी, जरूरी थी। पर फायदा कौन ले जा रहा है? भटियात के बच्चे जो कोचिंग करते हैं, जो अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? जिनके पेरेंट्स खुद गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं। जरा देखना भटियात में जाना, आपको हर फैमिली के अंदर कोई आर्मी में, कोई सीआरपीएफ में, कोई पुलिस में, कोई किस उसमें डिपार्टमेंट में,
और भटियात के बच्चे सारे कोचिंग करते हैं, भटियात चौड़ी के बच्चे सारे ही कोचिंग करते हैं। क्यों? उनके माइंड में एक बात आ रखी है कि हमारे गांव में सभी को रिजर्वेशन से क्या मिल रहा है, तो हम क्यों ना करें। वहां देखा देखी होती है ना, देखा देखी होती है कि इनको भी फायदा हुआ है। और वहां के लोग बोलते क्या है कि चूंकि हम ST हैं तो हमारा बच्चा पहले गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ही करेगा, वो प्राइवेट जॉब में भेजते नहीं बच्चों को कि तैयारी करो और इजी आपके लिए। और कई बार शेड्यूल ट्राइब का कट ऑफ बहुत नीचे जाता है कई बार। ये बेनिफिट्स हैं, मगर देखिए कि ये बेनिफिट मिलना चाहिए था इंटीरियर एरिया में पांगी और भरमौर के बच्चों को, पर फायदा कौन ले जा रहा है? जो डेवलप्ड एरिया के आ गए भटियात, या फिर शेड्यूल ट्राइब के अंदर हिमाचल देखे ना पूरा, तो हिमाचल में पालमपुर वाले भी क्या है, शेड्यूल ट्राइब है, वहां पे गद्दी कम्युनिटी रहती है। धर्मशाला में कौन है? वो भी ट्राइब है, तो वो तो फायदा ले जा रहे हैं। धर्मशाला में फैसिलिटी और चंबा भरमौर की फैसिलिटी में फर्क नहीं है क्या? फर्क है, धर्मशाला सारा गद्दियों से भरा हुआ है, गद्दी कम्युनिटी वहां पे है, वो फायदा ले जा रहे हैं। बैजनाथ किससे भरा हुआ है? गद्दियों से भरा हुआ है। बैजनाथ का फैसिलिटी नहीं है वहां पे, क्या दिक्कत है वहां पे? बस कोई दिक्कत नहीं है। और वो डेवलप कर रहे हैं, एजुकेशन उनको प्रॉपर मिल रही, स्कूल उनके बहुत बढ़िया थे। उनके बगल में कोचिंग सेंटर है, कांगड़ा धर्मशाला में कोचिंग सेंटर्स हैं, बैजनाथ में कोचिंग सेंटर्स है। आराम से घर से निकले, तैयारी करते हैं लगातार बैठकर, कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं। तो इट मीन्स दैट एक बात साफ होती है कि कम्युनिटी के अंदर ही कुछ कम्युनिटी फायदा उठा रहे हैं, कुछ कम्युनिटी फायदा नहीं उठा रही है, ये तो कंफर्म है। ऐसे शेड्यूल कास्ट के अंदर भी हो रहा है, जो शेड्यूल कास्ट रहती है चंबा के आसपास मान लीजिए, तो शहर के आसपास स्कूल के मिलेंगे उनको अच्छे। जो शेड्यूल कास्ट रहती है बनीखेत और डलहौजी में, उनके पास में DPS फलना स्कूल क्या है सारे अच्छे हैं। जो शेड्यूल कास्ट रहती है पांगी के अंदर, जो शेड्यूल कास्ट रहती है मान लो सुरंगानी से तीसा इस साइड को, तो उनका तो कोई स्तर नहीं होगा फिर उनके सामने, ये समस्या है। चलिए बात करते हैं किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह में, आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। तो इसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? ये ज्यादातर क्लास 3 एग्जाम में पूछते हैं, तो कौन होंगे? इजिप्ट माने मिस्र, मिस्र के राष्ट्रपति को बुलाया जाएगा। तो विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसी, अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा कि अब्देल फतह अल सिसी नाम के व्यक्ति कहाँ के राष्ट्रपति है, तो अगर आपने पढ़ा होगा ना पूरा ये तो आप बोलेंगे इजिप्ट के, राइट? पर अगर ऑप्शंस आई इजिप्ट, इराक, ईरान, कतर, तो वहां कंफ्यूजन बन जाएगी भी कहाँ का है। क्वेश्चन डिट्टो पूछा जाएगा ना डिट्टो कि भारत के अंदर कौन आने वाले हैं, तो फिर आप बोलेंगे मिस्र से आने वाले हैं। ये आपका आसान है, पर ये नाम थोड़ा सा मुश्किल है। तो 2023 में उनको एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पे बुलाया जाएगा, मुख्य अतिथि के रूप में वो यहाँ पे आएंगे, शिरकत करेंगे। अच्छा, ये पहली बार हो रहा है कि मिस्र का कोई भी राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर आ रहा है। हम 1950 से मना रहे हैं गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि इजिप्ट या मिस्र से पहला कोई व्यक्ति उनका हेड हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आ रहा है रिपब्लिक डे के ऊपर। मिस्र बहुत डेवलप्ड कंट्री रही है समय पे, जाते हैं मिस्र, मिस्र के व्यापारी जब भारत आते थे ना तो क्या उनकी रॉयल्टी होती थी इजिप्ट। क्या आपने इजिप्ट के पिरामिड का नाम सुना है? पिरामिड, तो इजिप्ट तो बड़ी ही महान अपने आप में क्या थी, सल्तनत थी। आप देखिए जब आप हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो उस समय की कंटेम्प्रेरी माने समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी? चाइनीज, इजिप्ट, सुमेरियन है कि नहीं, तो और मेसोपोटामियन, ये सिविलाइजेशन थी उस समय की। मैंने इजिप्ट सिविलाइजेशन, इजिप्ट सभ्यता यहाँ हड़प्पा सभ्यता के समय की है, मीन्स दे आर वेरी मच डेवलप्ड। तो मिस्र काफी मतलब रिच रहा है बहुत पहले से, बट कभी मौका नहीं मिल पाया कि उनके चीफ को या उनके राष्ट्रपति को इंडिया हम एस चीफ गेस्ट बुलाएं। तो इंडिया चाहता है कि मुस्लिम देशों के साथ रिश्ते उनके अच्छे हों, कहते हैं मोदी गवर्नमेंट वैसा वैसा से कुछ नहीं है, इल्ज़ाम हम लगा देते हैं कि अच्छा ये गवर्नमेंट इस तरह के है या ये हिंदूवादी गवर्नमेंट है, नहीं। और हिंदूवादी गवर्नमेंट बीजेपी की होती तो ये एक मुस्लिम को क्यों बुलाया जा रहा है चीफ गेस्ट के रूप में? ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ पॉलिटिक्स है लोअर लेवल पे। ऊपर के लेवल पे इंटरनेशनल रिलेशन को ठीक करना है तो आपको हर देश के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखने हैं, और मुस्लिम देशों से हमें गैस, ऑयल, ये चीजें आती हैं सारे वहां से, तो रिश्ते होना काफी अच्छे यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो इस साल को कौन सी वर्षगांठ होगी?
75वीं वर्षगांठ रिपब्लिक डे की, मैंने हम 75th रिपब्लिक डे मनाने जा रहे हैं। तो यहां भी कई बार कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, तो आपसे पूछे कि 26 जैन को अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि बन के आ रहे हैं, ये हमारा कौन सा रिपब्लिक डे है? तब गिनने बैठेंगे तो भी बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि 1950 को हुआ था। उसके बाद गिनती करेंगे, हार्डली आप 10 सेकंड्स में आंसर बता देंगे, बट अल्टीमेटली 75 है। अगर आपको कोई पूछ ले कौन सा है तो आप तुरंत आंसर देंगे तो आप ज्यादा मैच्योर हुए, गिनती करने बैठेंगे तो यू आर फाउंडर के लिए आपको इतनी जानकारी नहीं। किस भारतीय राज्य ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड या ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अच्छा, प्रसून जोशी कौन है जानते हैं आप? प्रसून जोशी राइटर है, लिरिसिस्ट है, गाने लिखते हैं, गाने वगैरह प्रसून जोशी, और बहुत अच्छे राइटर हैं। अगर आपने रंग दे बसंती फिल्म देखी है ना, उसके सारे गाने, क्या आपने एक और फिल्म देखी है एंड दैट इज तारे जमीन पर, उसके सारे गाने इनके द्वारा लिखे गए हुए, तो बड़े एग्जाम्पल है उनके बारे में, तो वेरी गुड राइटर। अब ये हैं कहाँ से? तो उत्तराखंड से हैं, तो जिस राज्य के होंगे, कल परसों आप जो हैं बड़े अधिकारी बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, स्कूल में लेक्चरर बन जाते हैं, तो नेचुरली आप एक समय बाद, आपको आपकी किस्मत ने साथ दिया ना, यू कैन बिकम फेमस, अ वेरी फेमस पर्सन। जब बहुत फेमस हो जाएंगे तो वहां की सरकार चाहेगी कि आपको यूज करके अपनी स्टेट को प्रमोट किया जाए। जैसे कंगना रनौत है ना, एक्ट्रेस है हिमाचल की, तो हिमाचल गवर्नमेंट ने उनको कई बार ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो प्रसून जोशी को बनाया गया उत्तराखंड से, इनको उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं ये। किस केंद्रीय मंत्रालय ने इसरो के सहयोग से एक मोबाइल परियोजना निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है? जो भी परियोजनाएं होंगी ना, उनकी निगरानी, व्हाट इज परियोजना, जो भी प्रोजेक्ट है, हाइड्रो है, थर्मल है, कोई भी है। अच्छा, क्या आपने 1984 भोपाल गैस के बारे में सुना? लीक हुई थी, अब एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, मैंने एक मूवी आई है, हाँ देखिए आपने, हाँ अभी नेटफ्लिक्स पे आई है। तो क्या बनाया उन्होंने, रूह काम जाती है कि क्या हुआ होगा उस समय पे, कैसे लोग घुट गए होंगे। तो नेचुरली अगर गवर्नमेंट की नजर नहीं है इन चीजों के ऊपर, तो हादसा होने के चांसेस ज्यादा है। तो परियोजनाओं के ऊपर निगरानी रखने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई है, तो किसके द्वारा बनाई गई? उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने इसरो के साथ मिलकर, इसरो मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ मिलकर ऐसा किया है। वन नोट, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नया नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नया नाम क्या है, जिसका नाम अब चेंज किया गया है, लिखा गया है भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, तो इसका नाम चेंज हुआ है? कोई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल तो नहीं है, एक बार पूछ लेते ना आपसे कि नाम चेंज हुआ इस संस्था का, बताओ नया नाम क्या है, तो नया नाम है इसका भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र। संसद ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, जो भी है इतना कोई खास पॉइंट नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोकसभा ने किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों को शामिल करने के लिए संविधान एसटी माने शेड्यूल ट्राइब आदेश 5वां संशोधन विधेयक पारित किया है? छत्तीसगढ़ के अंदर। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए उन्होंने एक संशोधन कर दिया है, एक अमेंडमेंट कर दिए है, एक चेंजेस किया है वहां पर, और वो कहां हुआ है? छत्तीसगढ़ के अंदर। अब जानते छत्तीसगढ़ झारखंड ही काफी ट्राइबल एरिया है, जनजातियां बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और यहाँ पे नक्सलवादी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, क्योंकि नक्सलवादी कुछ और नहीं अनुसूचित जनजातियां थी, जिन अनुसूचित जनजाति के लोगों को सताया गया था, राइट। देखिए छत्तीसगढ़ और झारखंड में ना बहुत माइनिंग होती है, उनकी पृथ्वी, उनकी लैंड के नीचे ना काफी ज्यादा मिनरल्स हैं, बहुत मिनरल्स उनके नीचे, जमीन के नीचे, तो अगर उनके नीचे अगर मिनरल्स हैं तो सरकार को वो निकालने हैं, खनिज पदार्थ, कोयला हो या कोई और चीज हो, आयरन हो,
नेचुरली फिर उनको निकालने के लिए उनको वहां से खदेड़ा गया था, फोर्सफुली उनको वहां से बाहर निकाला गया था, जिस कारण से वो आहत थे। एंड देन उन्होंने एक मूवमेंट चला दी, नक्सलवादी मूवमेंट, कि हमें सरकार को यहाँ आने देना नहीं है। वो सरकार को अपना दुश्मन मानते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किया गया कल्याणी फेरेस्ट्रा क्या है? तो कल्याणी फेरेस्ट्रा क्या चीज है? क्या वो ग्रीन बॉन्ड है, ग्रीन स्टील है, क्या है? ग्रीन स्टील है। तो ग्रीन स्टील क्या होता है? स्टील को बनाने के लिए आपको चाहिए ऊर्जा, मीन्स क्या चाहिए आपको? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए स्टील को बनाने के लिए। स्टील को बनाने के लिए क्या चाहिए होती है? ऊर्जा या एनर्जी। अगर एनर्जी आती है मान लो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से, जो नवीकरणीय बोलते हैं ना इसको, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर से आ जाए, विंड से आ जाए, तो उसे बोलेंगे ग्रीन स्टील। भाई स्टील बनाना है तो आपको लोहा पिघलाना है, उसमें आपको कार्बन डालनी है। पिघलाने के लिए क्या चाहिए होती है चीज? हीट ना। हीट कहाँ से आएगी? या तो कोयले से आए, या तो कैसे आ जाए? थर्मल और सोलर से। तो हम थर्मल और सोलर से, सॉरी सोलर और विंड से हम क्या पैदा करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम देंगे हीट पैदा करने के लिए, ऊष्मा पैदा करने के लिए, और ऊष्मा यूज की जाएगी स्टील प्लांट के अंदर। तो उससे पैदा हुआ स्टील कहलाएगा ग्रीन स्टील, या फिर हाँ ग्रीन स्टील ही है यहाँ पे। ठीक है। प्रतिस्पर्धा आयोग ने निर्धारित समय के भीतर जुर्माना अदा ना करने पर किस कंपनी को डिमांड नोटिस किया है? एक कंपनी आप जानते हैं, व्हाट इज कंपटीशन कमीशन? कंपटीशन कमीशन का पर्पस क्या जानते हैं? कंपटीशन कमीशन का पर्पस है कि सोसाइटी में या मार्केट में एक अच्छा कंपटीशन बना रहे। अच्छे कंपटीशन से फायदा किसको पहुंचता है? जनता को। यदि किसी एरिया में मान लो एक ही जूते की दुकान है तो सभी लोग वहीं जाएंगे, और ये जूता महंगा बेचे सस्ता बेचे हमें पता ही नहीं चलेगा, हमें लगेगा कि जूता शायद इतने का ही आता होगा। पर मान लो दुकानें 20 हो तो एक से मोल भाव करेंगे, दूसरे के पास मोल भाव करेंगे, और ऐसे ऐसे। अच्छा, आप जब शॉपिंग करने जाते हैं किसी शॉप के अंदर, तुरंत ले लेते हैं या फिर पहले पूछते हैं कि नहीं थोड़ा कम करो, फिर बोलते हैं ठीक है भैया, फिर आते हैं थोड़ी देर के अंदर, और फिर किसी और शॉप में जाते हैं, फिर वहां मोल भाव करते हैं, और फिर घूम के एनालाइज करते हैं भी कौन से दुकान पे ठीक रेट लग रहा है। ये क्या है? कंपटीशन है कि नहीं है? अगर मान लो कि उसको मालूम चल जाए कि फलां दुकान के अंदर मुझसे सस्ता वो बेच रहा सामान, तो उसके अंदर एक क्या बात आएगी कि मैं भी इसे सस्ता करता हूँ, नहीं तो मेरा माल बिक नहीं पाएगा। एंड दैट इज वाई इस तरीके से कॉम्पिटिशन बना रहता है। बट क्या होगा कि कोई एक ही कंपनी जो है वो कोई चीज बनाए, तो फिर उसमें कंपटीशन तो खत्म हो जाएगा। इसलिए गूगल पर फिलहाल ये जुर्माना लगाया गया है कंपटीशन को किल करने का। तो गूगल को बहुत फाइन पड़ता है, कंपटीशन गूगल किल करता है। जैसे ज्यादातर फोन आपके वीवो है, शाओमी है, या सैमसंग है, या जो भी है, इनमें सब में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड किसका बनाया हुआ है? गूगल का। इट मीन्स गूगल की मोनोपोली है कि नहीं उसके अंदर? अगर एक ही का ही ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो विच मीन्स बाकी कोई कंपनी उस काम में फिर चल नहीं पाएगी। इसे बोलते हैं मोनोपोली। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, न्यायमूर्ति एम फातिमा देवी को आप जानते हैं? सुना होगा अपने नाम इनका। क्या थी ये? पहली चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हिमाचल की सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कुछ 2-3 दिन पहले इनकी मौत हुई है, शी डाइड। देखिए, पहला कुछ भी बनना, जैसे पहली आईपीएस महिला किरण बेदी, या पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो सॉरी चीफ नहीं, पहली महिला न्यायाधीश थी, पहली महिला सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। तो पहली महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनना महिलाओं का मुश्किल क्यों है? क्या महिलाओं को लॉ की नॉलेज नहीं है? है, राइट। पर समस्या क्या है कि वहां पे मेन काफी ज्यादा हैं और मेन विमेन को प्रमोट नहीं करते हैं, जिस कारण से काफी महिलाएं नहीं पहुंच पाई हैं
सुप्रीम कोर्ट एज जज, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की बात ही अलग होती है ना, बात सही कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट के जज की बात ही अलग होती है। तो 1927 में जन्मी पुरुष प्रधान समाज को चुनौती देकर वो इतने बड़े पद पर पहुंच गई। कई समय तक वो वकील रही सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और फिर आप जानते हैं ना, अगर 10 साल तक आप वकील रहते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता है। अच्छा, जज बनना ज्यादा अच्छा है कि वकील बनना ज्यादा अच्छा है आपके अकॉर्डिंग? जज बनना क्यों, पावर है? हाँ, पावर उनके पास। देखो, अगर सच्ची बात की जाए ना, तो जो जो वकील होता है ना, टॉप का वकील, वो बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि लोग काम करवाने किसके पास जाएंगे? वकील के पास ना। जज तो खाली सामने बैठ के डिसीजन देंगे, पर सारा हेर फेर किसने करना है? हाँ जी, वकील ने, रोके नहीं है। तो जो वकील होते हैं, लॉयर होते हैं, वो बहुत पावरफुल होते हैं। मगर फिर वही बात है ना, अगर आप सिर्फ पोस्ट को देखेंगे, तो फिर जज तो काफी पावरफुल है। और कई बार जज डांट देते हैं ना, जैसे मान लो कोई आईएएस अधिकारी पहुंच गए वहां पर, आपका शर्ट का बटन बंद नहीं, आपका ये नहीं है, डांटते हैं ना उनको वहां पर। तो पावर तो बहुत है जज के पास, पर जज की पावर सिर्फ वहां तक है, कोर्ट के अंदर तक। कोर्ट के बाहर जज को, जैसे मान लो जज कोई यहाँ रोड से निकल जाए, कौन बोलेगा कि कौन है ये जज है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? आपको फर्क पड़ेगा जब आपका कोई केस होगा, और वहां पर वैसे भी केस आपके ऊपर लगा जाए तो वकील आपको बचाएगा ना, जज क्या करेंगे आपके साथ? पावर तो है। अचंबा में जैसे डेप्यूटी कमिश्नर या एसपी के ऊपर कोई केस कर दे, तो उन्हें भी कहाँ जाना पड़ेगा? चंबा कोर्ट के अंदर जज साहब के सामने मी लॉर्ड करके खड़ा रहना पड़ेगा। तो उनके पास पावर तो है, मगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो बहुत बड़ी बात है ये, यहाँ तक पहुंचना। तो इनके बारे में फिर बताते हैं भी, दृढ़ संकल्प था, या बाधाओं को तोड़ना था, या जो भी महिलाओं के अधिकारों की वकालत की उन्होंने, जो भी है। नेक्स्ट है जी सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो। सीबीआई ने कुछ समय पहले रेड डाली है डिफरेंट डिफरेंट जगहों के ऊपर। सीबीआई की रेड तो आप सुनते ही हैं, कई बार न्यूज में आता है कि सीबीआई ने यहाँ रेड कर डाली। सीबीआई रेड करती है और काफी सबूत लेकर आती है। सीबीआई ने कथित तौर पर विदेशी नागरिकों को भुगतान के लिए मजबूर करने वाले साइबर सक्षम अपराधों के एक प्रमुख मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, और 2.2 करोड़ रुपए की नगद राशि भी बरामद की है। आपको भी कई बार कॉल्स आई होंगी कि ये कर दो, इस पे पेमेंट कर दो। ऐसे ना, एक बार मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया कुछ प्रोडक्ट, और एक मुझे कॉल आती है कि आपने अमेजोन से ये फलना चीज ऑर्डर किया है, तो मैं कुरियर बॉय बात कर रहा हूँ, और मैं आपके एड्रेस के बाहर अगल बगल में पहुंच चुका हूँ। तो वो कह रहा कि आपके जो आपका एकेडमी है, उसके बगल में एक सब्जी की दुकान है, मैं वहां पे छोड़ के जा रहा हूँ आपका पैकेट, आप ये ट्रांसफर कर दो पैसा इस नंबर पे। तो मैंने कहा कि नहीं, आप मुझे ऊपर दे के आओ, मैं नीचे नहीं जाऊंगा। बट शायद कुछ लोग समझते कि नहीं, हाँ सब्जी की दुकान तो है ही है, और सब्जी की दुकान तो हर जगह होती है, कहाँ नहीं होती है दुकान सब्जी की शहर के अंदर, कहीं कहीं तो होती है। तो इसलिए अगर मैं अंदाजा लगाता कि नहीं ये ठीक ही बोल रहा होगा, पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ, एक फेक कॉल थी, एक साइबर कॉल थी। मैंने, ये लोग फ्रॉड करते हैं कि हमारी जो आईडी होती है, इसे थोड़ा बहुत हैक कर लेते हैं, और वहां से देख लेते हैं कि इन्होंने अपने अकाउंट में क्या क्या ऑर्डर किया है, और वहां से फिर कॉल लगाकर आपको कहते हैं कि इनके खाते में पैसा डाल दो, और ऑर्डर कहीं दुकान पर छोड़ गया, वहां से ले लो, और आप जाते हैं वहां पर, मालूम चलता है कुछ दिया ही नहीं उन्होंने यहाँ पे। फिर उनको कॉल करते हैं, वो कॉल आपके उठाते नहीं, आपको ब्लॉक कर देते हैं नंबर को, इस तरह से कई बार ऐसा हुआ है, रुके नहीं है। और कई बार फिर ये बोल देते हैं कि आपके नाम पर लॉटरी निकली है, ये लॉटरी एन कैश करने के लिए आपको इतना पैसा ट्रांसफर करना है, राइट? ये भी चीज होती है। और कैशबैक बोलते हैं, पेटीएम पे कैशबैक है 3,000 रुपए का, और जो है आप उसे क्यों नहीं करवा रहे हैं, मैं पेटीएम से बात कर रहा हूँ, और वो पेटीएम वेटीएम से बात नहीं कर रहे होते, दे आर एक्चुअली लूटर्स, जो लूटना चाहते हैं लोगों को इस तरीके से। तो इनका भंडाफोड़ किया है, विदेशी नागरिकों को ठग रहे हैं लोग। ये ऑपरेशन के इस हिस्से के रूप में सीबीआई ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात सहित कई इलाकों में छानबीन की है, और
इनको पकड़ा है। चलो इतने छोड़ी बात, इसमें क्या डिस्कस करना, इसकी स्थापना 1944 में हुई है, सीबीआई की स्थापना 1944 में हुई है। और क्यों बनाई गई थी ये? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो खरीदारी की गई थी हथियारों की, उसमें काफी भ्रष्टाचार हुआ था, इसलिए इसको बनाया गया था उन मामलों की जांच करने के लिए, राइट। अगली बात क्या है कि भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति बनाई गई है, कमेटी बनाई गई है। और संथानम कमेटी भी याद रखिएगा, जो संथानम कमेटी होती है या कमेटी है सॉरी, वो किस ऑर्गेनाइजेशन के बनाने के बारे में थी? सीबीआई के बारे में। और 1963 में गृह मंत्रालय के अंडर आ गई थी और तब इसका नाम सीबीआई कर दिया गया था। पहले तो इसका नाम था स्पेशल दिल्ली पुलिस, माने विशेष दिल्ली पुलिस। तो 1963 में जाकर इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट है एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी। इसकी बात करें, हाल ही में एनआईए ने बिहार के नक्सल संबंधी इनपुट के बाद कैमूर या औरंगाबाद में छापेमारी की है। अच्छा, एनआईए और सीबीआई के काम में डिफरेंस है कि नहीं? सीबीआई ज्यादातर करप्शन वाले मामले देखती है या कोई मर्डर वर्डर सीरियस केस हो गया वो देखती है, पर एनआईए जो है ना वो देश विरोधी गतिविधियों पर सर्च करती है, देश विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाती है। उसकी मैं बात करूंगा क्यों ऐसा है। तो देखिए, एनआईए की बात करें तो एनआईए भारत के केंद्रीय आतंकवाद विरोधी जो है वो एक एजेंसी के रूप में काम करती है, आतंकवाद विरोधी। तो भारत में आतंकवाद ना हो इसे रोकने के लिए एनआईए काम करती है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2008 के अंदर। तो 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। और क्यों हुआ ऐसा? 2008 में, पिछले कल की बात है, 26 नवंबर 2008 को क्या हुआ था आप जानते हैं? 26/11 मामला। हाँ, तो 26/11 वाला मामला मीन्स ताज होटल मुंबई का, वहां पे कुछ पाकिस्तान से आतंकवादियों ने हमला कर दिया था और फेमस पर्सनैलिटी कसाब को वहां पे पकड़ा था फिर, राइट। तब हमारे देश में कोई एक ऐसी एजेंसी नहीं थी जो आतंकवाद में स्पेशलिस्ट हो, जो आतंकवाद को रोकने काम कर सके। तो आतंकवाद को रोकने वाली एजेंसी कोई थी ही नहीं। 2008 में हमें अपनी गलती का एहसास हुआ कि कोई एजेंसी ऐसी होनी चाहिए जब कोई आतंकवादी घटना अगर होना हो जाए या फिर होने से पहले उसे रोक ले। तो एनआईए तब बनाई गई थी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को तब बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में मुख्यालय। और मंत्रालय किसके अंडर आती है? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर। तो गृह मंत्रालय के भीतर ये काम करती है या गृह मंत्रालय के अंडर ये काम करती है, ये एक अंडरस्टैंडिंग यहां से है। और आखिरी टॉपिक लूसी मिशन। लूसी मिशन की हम बात करें तो लूसी मिशन किस बारे में है? तो क्षुद्र ग्रह की सर्च के लिए। क्षुद्र ग्रह जानते हैं क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड्स। हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, जिसमें काफी ग्रह आते हैं, जानते कौन कौन से आते हैं? सन के सबसे पास कौन है? मरकरी। फिर कौन सा? वेनस। फिर अर्थ। फिर मार्स। फिर जुपिटर। फिर सैटर्न। फिर नेपच्यून। और फिर यूरेनस। क्या यही है कि कुछ और भी है? ये तो ग्रह हुए, इसके अलावा और भी चीजें हैं। कुछ एक ऐसे बॉडी भी है ना, अर्थ जैसी बॉडी है, जिन पर जीवन संभव नहीं है और ना ही जिनका एटमॉस्फेयर है, वैसी कहीं रैंडमली घूम रही है, उनको क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड्स। और कई बार ये एस्ट्रॉइड्स छोटे छोटे साइज में पृथ्वी पर आना भी चाहते हैं, टकराना चाहते हैं, पर आयनोस्फेयर उनको वहीं पे भस्म कर देता है, क्योंकि उसके पास आयन्स की लेयर है और वहां काफी हैवी टेम्परेचर है, फ्रिक्शन से काफी हीट पैदा होती है और वहीं जल जाते हैं। देखिए पृथ्वी जैसे, अगर मैं देखे ना, अगर मैं कोई चीज छोड़ रहा हूँ यहाँ पर नीचे, खुद बखुद आ रही है ना ये नीचे को, तो
ऊपर भी तो कुछ चीजें होंगी ना हमारे सौरमंडल में, तो वो नीचे क्यों आ रही, हमारे सर पे क्यों नहीं गिर रही है वो? देखिए जब हम किसी बिल्डिंग में काम लगा होता है ना आस पड़ोस में रोड के आसपास, तो कोई बिल्डिंग में ऊपर मजदूर काम कर रहे हैं, बजरी सीमेंट पहुंचा रहे हैं ऊपर, हम डर के चलते हैं वहां से कि कहीं तो तसला वसला ना हमारे सर पे गिर जाए, है कि नहीं? और आसमान तो खुला है ना सारा, तो आसमान से भी कुछ चीजें पृथ्वी पर गिर सकती है ना, गिर सकती हैं बिल्कुल। आसमान में काफी और चीजें हैं जो गिरे तो पूरे का पूरा शहर तबाह हो जाएगा, पर क्यों नहीं आ पाती? बिकॉज ऑफ आयनोस्फेयर, तो आयन मंडल बोलते हैं उसको, आई थिंक आयन मंडल है, उसमें काफी हाई टेम्परेचर है, प्लस आयन्स में काफी फ्रिक्शन होता है, तो कोई भी चीज वहां से निकलेगी तो उसमें ब्लास्ट हो जाएगा और वो वहीं समाप्त हो जाएगी। इसलिए और हम छत, हमारे ऊपर छत नहीं भी है खुला आसमान में, फिर हम डरते नहीं कि कुछ ऊपर से आके हमारे सर पे गिर जाएगा। राइट, तो लूसी मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उत्तर है नासा के द्वारा। बस आप एक दो बातें यहां पढ़ लेना कि क्षुद्र ग्रह के लिए मिशन था और दूसरा था ये नासा का मिशन है, और लूसी मिशन जो है अमेरिका के फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है, ये एक अंतरिक्ष को जांचना है कुछ भी है। ये बातें कुछ हद तक इंपॉर्टेंट हैं भी और नहीं भी है, मेन बात इंपॉर्टेंट क्या है कि लूसी मिशन नासा का है, नासा मीन्स नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी, ये एजेंसी अमेरिका की है, और क्षुद्र ग्रह मीन्स एस्ट्रॉयड के ऊपर इसने जो है वो जांच करनी है, उसको जानना है, समझना है ये। चलिए बाकी बातें हम कल के सेशन में डिस्कस कर लेंगे।